दोस्तों, बर्ड फ्लू और इबोला वायरस के बाद में भारत पर एक और बहुत बड़े और खतरनाक वायरस का साया आया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोरोना वायरस की, जो यहाँ पे जान लिए जा रहा है और एक के बाद एक यहाँ पे बुरी खबर दिए जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि कोरोना वायरस क्या है, तो बिलीव मी, आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा वायरस है जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आपको ये हो भी जाता है, अगर आप इसकी चपेट में आ भी जाते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसकी चपेट में आ चुके हो। इसी के साथ ये जो वायरस है, ये फैलने वाला है, मतलब कि अगर आपके किसी भी घर के एक सदस्य को हो जाता है, तो फिर एक एक करके सभी को हो जाएगा, आपके आसपास के इन्वायरमेंट को ग्रसित ये कर देगा। मेरे हिसाब से मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। इसी के साथ में ये जो वायरस है, इसकी वजह से आज के दिन हजारों लोग अस्पताल के अंदर भर्ती है, जिनका इलाज खुद सरकार भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका एंटीडोट अभी तक नहीं खोजा गया है। इसका क्या उपचार है, क्या इसका सोल्यूशन है, अभी तक किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, और आप कैसे पता करोगे कि आप इसके चपेट में आ चुके हो। हम इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल लेने वाले हैं, जो कि शायद आप सभी को जानने की जिज्ञासा होगी, जैसे कि इबोला वायरस है क्या, ये बना कहां से है, ठीक है। इसी के साथ में इबोला वायरस की स्टार्टिंग कहां से हुई है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसकी चपेट में आ चुके हैं। अगर किसी दूसरे पर्सन को इबोला वायरस की प्रॉब्लम है, या फिर उसकी चपेट में आ चुका है और हमें लग रहा है कि वो पेट में आ चुका है, तो हम उससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, और इसी के साथ में इंडिया के अंदर डॉक्टर क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और आज के दिन इंडिया में जो कोरोना वायरस है, इसकी क्या स्टेटस है, क्या इसकी चहल पहल है, इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं नहीं चाहता आप या फिर आपका कोई भी दोस्त हो गया या फिर आपका कोई भी रिलेटिव हो गया, वो कोरोना वायरस की चपेट में आए, इसीलिए मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रहा हूँ। और आप सभी से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भले से वीडियो को लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी भाई की या फिर किसी और की जिंदगी बचा जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो क्या है, और उसको सबसे पहले कब और कहाँ पे देखा गया। जो कोरोना वायरस है, ये एक एनिमल से क्रिएट होने वाला वायरस है। और अगर आपको नाम सुनकर लग रहा है कोरोना वायरस, मतलब कि सिर्फ एक ही वायरस होगा, तो आप बिल्कुल गलत है। एक्चुअली कोरोना वायरस यहाँ पे ग्रुप ऑफ वायरस है, मतलब कि अलग अलग 7 वायरस का एक ग्रुप मिलाकर उस ग्रुप का नाम यहाँ पे कोरोना वायरस दिया गया है। अब इनमें से पहला जो अटैक हुआ था वो हुआ था 2003 के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, चाइना में। अब जब वो अटैक हुआ था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर 1000 से भी ज्यादा लोगों की इसके अंदर मौत हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पे उसका एंटीडोट फाइंड आउट किया गया था। लेकिन जो बाकी के 6 थे, उसके एंटीडोट अभी तक क्रिएट नहीं हुए थे। अब दोबारा जाकर 2020 में एक और अटैक आया, लेकिन वही बात है, कौन सा अटैक आया था, कोरोना का। अब वो जो मतलब हमारे पास इफेक्ट आया है उस चीज़ का, तो हमारे पास होना चाहिए कि एंटीडोट पहले से ही तैयार हो। लेकिन अब की बार जो पहले अटैक आया था वो वाला अटैक नहीं था, बाकी के जो हमारे पास 6 बच गए थे उनमें से किसी एक वायरस ने अटैक किया है, और अब की बार उसका जो एंटीडोट है वो नहीं मिल रहा है, और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। काश उसका एंटीडोट बहुत ही जल्द मिल जाए, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्रिकॉशन है, जो कि आप सभी को मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी ने ये तो जान ही लिया कि जो कोरोना वायरस है वो क्या है, कहाँ सबसे पहले वायरस को देखा गया और कब देखा गया, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि जो कोरोना वायरस है इसके सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है। तो इसका जो सिम्टम्स है पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। अगर आपने खांसी जुकाम वाली प्रॉब्लम सुना है, तो सेम टू सेम ही ऐसा ही होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी खांसी जुकाम नॉर्मल किसी को होता है तो विद इन ए वीक ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी चपेट में आ जाते हो तो आप 2 वीक तक, 3 वीक तक भी ठीक बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो, और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करके आपके शरीर को अच्छे तरीके से जकड़ लेगा, और फाइनली आपको ये मौत के घाट भी उतार सकता है। फिलहाल इसके जो चांसेज है, मतलब कि अगर कोई पेशेंट इससे मतलब ग्रसित हुआ है और उसके बाद उसके जो बचने के चांसेज है वो यहाँ पे 65% है, मतलब कि 35% लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास आज से पहले जितने भी वायरस आए हैं उनमें से ये तीसरे नंबर
नंबर पर है। इससे पहले बहुत मतलब डेंजर डेंजर वायरस आए थे जिनका फ्लुएंसी 80% तक 60% तक गया था, लेकिन नहीं, इसका जो फिलहाल है 35% तक के आसपास ही है। लेकिन फिर भी ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इसका एंटीडोट हमारे पास नहीं है और ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, तो हम सबको इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप इस वायरस की चपेट में आ जाते हो और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या क्या गलत सलाह दे सकता है। पहली बात, अगर आप इस वायरस की चपेट में आ चुके हो, डॉक्टर आपको नॉर्मल बुखार जुकाम वाली दवाई दे देगा, तो आपका ये जो बुखार है, ये जो वायरस है, ये और भी ज्यादा अटैक करेगा। बिकॉज ये जो वायरस है, ये मेन काम करता है आपकी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको खत्म करने का। तो जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी से मेरी एक सलाह रहेगी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की गोलियां आती है, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर से किसी भी रोग के साथ लड़ने की ताकत की जो गोली आती है, आप वही किसी बच्चे को या फिर किसी भी पेशेंट को दीजिए फिलहाल के टाइम में आपकी मेडिकल के साथ साथ, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी चांसेस जो ये बुखार आने का, इस फीवर के अटैक में आने का, तो वो इससे बहुत आसानी से बच सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हो। अगर आपके पास या फिर आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके घर के अंदर किसी को भी ये जो अटैक आ जाता है इस वायरस का, तो आपके लिए कुछ प्रिकॉशन है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, क्या आपने कभी चिकन पॉक्स का नाम सुना है? जी हाँ, मेरे हिसाब से आप सभी ने सुना होगा। वहाँ पे हम करते क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को एक अलग बेड दे देते हैं, उसे कपड़े अलग रखते हैं, कुल मिला के हमारे पास जो मेन काम रहता है वो ये रहता है कि उसको प्राइवेटली एक अलग पार्ट दे देना। तो आपको ये हर एक बात को फॉलो करना पड़ेगा, उसका जो भी कपड़ा होगा, कोई भी बिस्तर होगा, आपको उसका एक प्राइवेट पार्ट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके भी मुंह पे मास्क लगाना पड़ेगा और आपको खुद के मुंह पर भी मास्क लगाकर चलना चाहिए मार्केट के अंदर भी। अब मैंने आपको बात क्यों बोली है, जो पेशेंट है उसको खुद को ये बात फॉलो करनी चाहिए कि भाई ये वायरस मेरे में तो आ चुका है, मैं किसी और को फालतू में क्यों फैलाऊं। तो आप ये बात खुद समझिए कि अगर आप गलती से भी इसके शिकार हो जाते हैं तो आपको ये बात फॉलो करनी ही करनी है कि आप अपने मुंह के ऊपर मास्क हमेशा ही लगा के रखें। घुमा फिरा कर बात एक ही है कि आपको अपनी सांसें या फिर अगर आपको छींक आती है, कुल मिला के आपका कोई भी बॉडी का जो पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, आपकी जो नाक की हवा है, वो डायरेक्टली किसी भी इंसान के पास नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज उसको भी ये सेम टू सेम प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपको है। तो प्लीज इसके अंदर यहाँ पे पेशेंट और उसके आसपास के रहने वाले लोग सभी के सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे जब हमारे पास कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है, मतलब कि मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रख सकता हूं। पहले तो आपको मैंने बताया, अपना पहला फर्ज बनता है कि ये जो बीमारी है आपके अलावा किसी और के पास ना पहुंचे, उसके लिए मैंने कुछ सेफ्टी टिप्स बताई है, प्लीज उनको फॉलो कीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाइए, बिकॉज अगर वो बढ़ जाएगी तो वो वायरस आप पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, और अटैक ही नहीं कर पाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के बात यही है। उसके अलावा इसका कोई भी फिलहाल के टाइम पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका एंटीडोट नहीं निकाला गया है, और अगर जैसे ही निकाला जाएगा तो आप पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जाएगा। फिलहाल इसके जो मरीज हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है और उन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और आई होप कि जल्दी इसका जो एंटीडोट है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। क्या ये वायरस जान भी ले सकता है? जी हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, ये वायरस जान भी ले सकता है। फिलहाल यहाँ पे 30 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, और आज के दिन भी बहुत सारे लोग अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं। कुछ भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उनके पास एंटीडोट नहीं पहुंचा है और उन्हें पता भी नहीं कि पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर वो बिल्कुल हाँ है, तो हमें इन सब बातों को फॉलो करके अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अब बात ये आती है कि हमें किस हद तक चिंता करनी चाहिए, और ये जो वायरस है इसका फिलहाल इंडिया में स्टेटस क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वायरस है चाइना में क्रिएट हुआ है, मतलब वहां पे पैदा हुआ है, और वहां पर काफी लोगों को इसकी दिक्कत आ चुकी है। लेकिन कुछ इंडियंस थे जो कि वहां पे गए हुए थे, तो जब वो फ्लाइट से इधर आ रहे हैं तो उनकी एयरपोर्ट पे ही चेकिंग की जा रही है कि क्या वो इस वायरस से ग्रसित तो नहीं है, और अगर उनको पाया जा रहा है तो पहले उनको ठीक किया जा रहा है फिर ही इंडिया भेजा जा रहा है। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी खांसी जुकाम की शिकायत है तो पहले उनको पकड़ा जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है, उसके बाद भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि सिक्योरिटी तो काफ़ी टाइट है अपनी, जो भारत सरकार वो काफ़ी अच्छे तरीके से लगी हुई है पूरी मेहनत करने के लिए। लेकिन बहुत सारे देश हैं, मतलब 4-5 देश अब इस वायरस की तलाश में है, इसका एंटीडोट मिल जाए, मतलब एंटीडोट ढूंढने के लिए 4-5 देश काम पे लगे हुए हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सारे लगे हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे इंडिया के अंदर 2 ऐसे केस देखे गए हैं
जो कि इस वायरस के शिकार हैं। बस अब उन्हीं को लेके बोलबाला चला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सावधान नहीं रहना चाहिए। हम सबको सावधान रहना चाहिए, और जो जो बातें मैंने आज की इस वीडियो में बताई हैं, इन सभी बातों को फॉलो करते हुए हम सभी के सभी सेफ रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जो जानकारी दी है ये आपको काफ़ी काम आई होगी, और ऐसी जानकारी और पाने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। बस फिर एक नई वीडियो मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।